छोल ले भाई, छोल के बनाऊंगा सारी हरियो हरियो पाट है, यो पाट पूरो तार देना, पूरो पाट तार के और फेरी की सब्जी बनाऊंगा। जैसे वो सारो पाट तार देना, हरियो हरियो पाट तार के छोल के फेर बोलो। हेलो, राम राम सा कुकुराज भाई संग चैनल में सारी यूट्यूब फैमिली को स्वागत है। आज आप एक नए रेसिपी के साथ आया रसोई में, और कुकु भाई सा भी बनाऊंगा, राजस्थानी रेसिपी बनाऊंगा। या मतीरी है, मीठी मतीरी, देसी मतीरी है, मीठी मीठी मतीरी की सब्जी बनाऊंगा गुड़ के साथ। गुड़ और मीठी मतीरी की सब्जी बनाऊंगा, बिना तेल और बिना घी की सब्जी बनाऊंगा। आज आपने बना के दिखा कैसे बनाते हैं। हाँ, कैसे बनाते हैं। ये मतीरो है ना, आप सारा यहाँ छोल छोल के एक पूरी गिरी निकाल ली, अब इनकी कापी का तरह बीज है, वो सारो बीज हटाना है, और ऊपर को यो इनको हरियो पार्ट है ना, वो सारो हटाना है, एकदम बीज को पार्ट रखना है। तो ये बाबा इन्हें एक बढ़िया बढ़िया सर की कापी काट लेवा। यो सगड़ा ना आपा एक ही ये उधर पीस काट लिया, जी आलू की सब्जी बनावा जी हाँ ये काट लिया, ये सारा पीस आपना कट गया है। तो एक अंदर ये गुड़ चाहिए, वो ये गुड़ गिराऊंगा पानी में, ये काली मिर्च लौंग लुकुम यो मसालो है, यो मसालो के लहसुन हरी मिर्ची इक मायने प्याज टमाटर ये कौन पड़े है, इक मायने लौंग है, जावित्री को टुकड़ो है, जायफल को टुकड़ो है, काली मिर्च है, इलायची है, ये खुशबू के लिए गिराऊंगा, और यो गुड़ है, और ये एक काटी गिरी है, ये गिरी को इन दूसरा पानी कौन डाला इनके अंदर, जैसे मतीरे मतीरे की सब्जी बनावा तो मतीरे को पानी से ही सीझे, तो यो पानी आप गिरी को सारी को पानी निकाल के छान के यो इनके अंदर डालूंगा। तो अब सारो है ना वो अंडी के अंदर डाल दें, इन तेल ताल कौन गिरा, नहीं तेल गिरा नहीं घी गिरा, यही बनाऊंगा। यो मसालो है, ये मसालो क्या कि हरी मिर्ची और लहसुन यो डाल दें इनके अंदर, जो यो आप खड़े मसालो लिए है यो साग तो ही डाल दें इनके अंदर। अब ये अंदर हल्दी नमक स्वाद अनुसार मिर्ची धनो वो ही अंदर डाल दियो। अभी ना चालू कर देगा आंडी किसी मरदा दी था ना, आंडी में सब्जी बनाता बहुत ज्यादा बनती, पहले कहे तो पीतल का बर्तन बनाता और क्या हंडी में बनाता, तो मीठी मतीरी की सब्जी हंडी में बनाता, तो हंडी में बहुत ही बढ़िया बनती, तो आज आपने हंडी में बना के बताऊंगा। अभी वो पानी है ना पा वो छान लेना, इनमें बीज है और है वो सारो ऊपर आ जाएगा इनको बीज, अगर मिक्सी के अंदर पीसांगा तो ये बीज बाहर रह जाएगा। अभी वो पानी है ना ये इनका अंदर मतीरी को ही पानी है छान के लिए, डो को इनके अंदर डाल देगा सारो, इनके अंदर और पानी कौन डालना है, मतीरी वाला पानी में यह सब्जी बन के तैयार हो जाएगी। गुड़ अब इन ढके रख देगा, गुड़ जब डालेंगा इनके अंदर पका के, अब छोड़ देते डाल देगा, गुड़ का छोटा छोटा टुकड़ा करके यो गुड़ ले लियो, या कस्तूरी मेथी रो थोड़ा लहसुन बचा के रखियो हो यो डाल देगा ऊपर से। यो अमचूर है, मतीरी की सब्जी में अमचूर गेरे बिना खट्टी मीठी जदी हो जो अमचूर पड़े जो अमचूर पाउडर है। यो गरम मसालो है, यो पंचपूर्ण है अपनो घराई बनाया दो। अब आप सब्जी ना
अपनी सब्जी देखो बहुत ही ज्यादा सारो पानी खप गयो। और यह हांडी की सब्जी है, हांडी बनाई रही मतीरी की सब्जी बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगी। या बाजरी की रोटी साग है, परांठा साग है, मक्का की रोटी साग है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया और टेस्टी लगे। आप भी ट्राई जरूर करियो और आपने कहीं भी लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करियो। लाइक सब्सक्राइब करनो ना भूलिया करो और घंटिया रो बटन दबाया करो और आप भी ट्राई करियो। इन मौसम में मतीरी लगे हैं तो यो राजस्थानी खानो है। यो या हमारे दादी साह का हाथ की रेसिपी है। हमारे दादी साह ना सभी बोला कि दादी साह बहुत बढ़िया बनाता है। इवन नहीं आपा तेल को यूज करियो, नहीं घी को यूज करियो, या यहाँ ही है। पहली बार दादी साह यहाँ ही बनाता तो यह सब्जी बहुत ही बढ़िया बनती। अभी तक सब याद करें दादी साह ने। आपकी सब्जी बनके तैयार है और जिमन आरा भी तैयार है। गरम गरम मतीरी की मीठी सब्जी, लूंजी भी फैल कर रहे हैं सब्जी में। बनके तैयार हो गई है, बहुत ही गरम गरम सब्जी है। हाथ जलन लग गया और देखो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। आप भी जरूर ट्राई करियो। आपने हमारी रेसिपी कहाँ की लगी राजस्थान की, लाइक सब्सक्राइब जरूर करियो। पहली को देसी खानो है यो, आप भी बना के जरूर ट्राई करियो।